नमस्कार, भक्ति सफर में आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक महीने की चतुर्थ तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग में करवा चौथ का विशेष महत्व है, जिसके अनुसार सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत करती हैं और चांद देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं। सनातन धर्म में ये एक वैवाहिक महिला के लिए सबसे बड़ा त्यौहार में से एक माना जाता है। बता दें, इस बार करवा चौथ का त्यौहार 13 अक्टूबर यानी गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को करवा चौथ होता है, जिसे सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपना पूरा दिन निर्जला उपवास रखती हैं, जिसके बाद रात में चंद्रदेव को अर्घ देकर वह व्रत खोलती हैं। लेकिन इस दिन कुछ खास नियमों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। सुहागन स्त्रियों द्वारा मनाए जाने वाले इस करवा चौथ के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। कहते हैं, जब राजा के शासन में अधिकतर लोग मुगल सेना का सामना करने के लिए हिंदू शासनों की सैनिक के साथ रहा करते थे, तो घर पर उनकी पत्नियां अपने पति की लंबी आयु और प्राण की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। दरअसल मन की शांति और शुभ संकेत के लिए इस करवा चतुर्थी की शुरुआत। चौथ गेहूं की बुआई के मौसम में पड़ता है, जो रबी फसल के मौसम की शुरुआत में होता है। प्राचीन काल में गेहूं को मिट्टी के बड़े बर्तन में रखा जाता था, जिससे करवा भी हो जाता था। क्योंकि यह कार्तिक महीने की चौथे दिन पड़ता है, इसीलिए करवा चौथ कहा जाता है। महिलाएं अपने पति द्वारा एक स्मृति फल काटने के लिए प्रार्थना करती है। ऐसी मान्यता है कि अगर इस दिन अविवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे पति की प्राप्ति होती है। करवा चौथ एक पत्नी और उसके पति के बीच रोमांस और स्नेह की भावना का प्रतीक है। कुछ बॉलीवुड फिल्मों में इसकी खूबसूरती को दर्शाया भी गया है कि कैसे पूरे दिन करवा चौथ मनाया जाता है। इस त्यौहार की तरह करवा चौथ के पीछे भी कई प्राचीन मान्यताएं हैं। ऐसे में अधिकांश किस्से आपको बताते हैं। महिलाएं अपने पति के लिए बलिदान दिया करती हैं और अपने प्यार को शुद्ध करती हैं। लोकप्रिय कहानियों में ऐसी वीरता नाम की खूबसूरत रानी के बारे में बताया गया है। उनका विवाह एक सुंदर से राजा से हुआ था और उनके 7 भाई थे। शादी के पहले साल में उन्होंने पहला करवा चौथ का व्रत रखा था। जैसे जैसे रात हुई, वीरता को प्यास और भूख का आभास होने लगा। वे बेचैन हो उठी, उसके लिए उपवास रखना मुश्किल हो गया। हालांकि उसने फिर भी कुछ भी बिना खाए पिए अपना व्रत तोड़ने से इनकार कर दिया। उनके भाई उनकी पीड़ा ना देख सके और उनसे समाधान निकालने का फैसला किया। उन्होंने पिछवाड़े में एक पीपल के पेड़ के साथ एक दर्पण बनाया और वीरता को विश्वास दिलाया कि चंद्रमा उग आया है। उसने उन पर विश्वास किया और अपना उपवास तोड़ दिया। तुरंत उसे खबर मिली कि उसके पति की मौत हो गई है। वह पूरी तरह से तबाह हो गई और अपने पति के घर जाने के लिए मायके से निकल आई। रास्ते में उसे भगवान शिव और देवी पार्वती मिले, जिन्होंने उसे पूरा सच बताया। माँ पार्वती ने अपनी उंगली काट दी और वीरता को रक्त की कुछ बूंदे दी। देवी पार्वती ने उन्हें अगले उपवास के समाधान रहने का निर्णय दिया। वीरता ने अपने पति के मृत शरीर पर पवित्र रक्त छिड़का, उसका पति जीवित हो गया। उसका शय वीरता के बलिदान, अपार प्रेम और भक्ति को जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही त्यौहार से जुड़ी ऐसी पल टू पल की खबरें देखने के लिए बने रहिए भक्ति सफर के साथ।